ससुर एवं पति की मौत के बाद 9 माह की गर्भवती दर दर की ठोकरें खाने के मजबूर। भारतीय महिला सुरक्षा संघ ने लिया संज्ञान, प्रशासन में मचा हड़कंप। मामला कमला नगर आगरा का है। शिल्पी गोयल की शादी विशाल गोयल से सन 2017 में हुई थी। इस दौरान एक बेटा भी हुआ, वह 1.5 वर्ष का है और अब शिल्पी 9 माह की गर्भवती है। इस कोरोना काल में ससुर एवं पति की मृत्यु हो जाने के बाद ननंद एवं ननंद के सास ससुर ने 9 माह की गर्भवती की मानसिक उत्पीड़ना शुरू कर दी एवं भरण पोषण के लिए भी कुछ नहीं देने को तैयार है। अब 9 माह की गर्भवती इतनी परेशान है कि दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। किसी ने भारतीय महिला सुरक्षा संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी प्रियंका वरुण से मिलने को कहा। जब पीड़िता अध्यक्ष महोदया से मिलने पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई तो अध्यक्ष महोदया ने एसएसपी महोदय से मुलाकात की और हरि पर्वत थाना सीओ से भी मुलाकात कर पीड़िता को तत्काल न्याय दिलवाने की मांग की, जिसमें सीओ थाना हरि पर्वत ने तुरंत एसओ एवं चौकी प्रभारी को आड़े हाथों लेते हुए एवं तत्काल प्रभाव से कार्यवाही का आदेश भी दिया। गरम होगा नीचे अग्रवाल, उन्होंने अपने अंडर में कर लिया है। साथ ही इनकी ननंद द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी 9 मंथ ये प्रेग्नेंट है और अभी 1.5 साल का बच्चा आप देख सकते हैं इनकी गोदी में। इस सिचुएशन में ये कहाँ जाएंगे? जब एसएचओ से हम बात करते हैं तो एसएचओ प्रभारी कहते हैं कि अरे माँ ने बेटा खोया है, बहन ने भाई खोया है, तो क्या पत्नी ने पति नहीं खोया है? ये नन्ही सी जानों ने अपना पिता नहीं खोया है, या जो ये दुनिया में जो नन्ही जान आने वाली है इसने अपना पिता नहीं खोया है, ये लेकर के कहाँ जाएंगे? लेकिन एसएचओ साथ सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इधर से उधर, उधर से इधर जाने के लिए प्रताड़ित महिला शिल्पी गोयल जो बार बार चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, हम ये मांग यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये जिस तरीके की घटना बच्ची के साथ घटित हो रही है शिल्पी गोयल के द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको न्याय दिलाया जाए। हम मानते हैं कि जो भी इनके पति द्वारा जो भी सामान खरीदा हुआ है, प्रॉपर्टी से लेकर कोई भी चीज है, वो इनको ना देकर के इनके बच्चे के नाम कर दी जाए, जिससे कि इनका फ्यूचर सेफ हो पाए। अगर मान लीजिए अभी फैमिली में केवल इनकी सास और इनके केवल ये बिटिया है और 2 बच्चे हैं, ये लेकर के कहाँ जाएंगे? अगर आपने अपना बेटा खोया है तो उन्होंने भी तो अपना पति खोयाना है। एसएसपी साहब ने यह कहा कि आप सीओ हरि पर्वत थाना पे महिला है, आप उनसे कल जाकर के मिल लीजिए, वहाँ पे आपकी सुनवाई हो जाएगी। एसएचओ बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो इधर से उधर घुमा रहा है, लेकिन कोई भी प्रशासन काम करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर बैठ करके एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करूंगी। एसएसपी कार्यालय के बाहर मैं महिला शिल्पी गोयल को लेकर के धरना करूंगी और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठूंगी। मेरे ससुर की डेथ हो गई, उसमें कमाने वाला घर में कोई नहीं बचा है, मैं और मेरी सासू माँ है जी। और मुझे घर में इतना टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे ननद और नंद और नंदुओं के खिलाफ, कपिल छवि जो मेरे नंद नंदू हैं और दूसरे हैं रति और उनके हस्बैंड अमित गर्ग और छवि बंसल के क्या नाम है सास ससुर हरीश अग्रवाल और उनकी वाइफ,
वो लोग मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हैं, घर से निकालने के लिए धमकी देते हैं मुझे, मेरे बच्चों को छीनना चाहते हैं, कहते हैं एक उसको दे दो और एक उसको दे दो, छवि को दे दो और एक रति को दे दो, और मेरे से कहते हैं कि अपने मायके चले जाओ, और मेरे पेट पे भी लात मारी उन्होंने, मुझे थप्पड़ भी मारे, मुझे मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। पति क्या करते थे आपके? ले गए मेरा उठा। पति क्या करते थे आपके? मेरे पति का बिजनेस है जो कार एक्सेसरीज का होलसेल का काम है, उस पे उन्होंने पूरे पे कब्जा कर रखा है। और किसने कब्जा कर रखा है? मेरे इनके ननद और उनके ससुर ने, हरीश अग्रवाल और उनकी वाइफ ने। थाने गई थी आप? शिकायत की थी आप थाने में? बिल्कुल, ऐसू के पास गई, उन्होंने वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। कितना टाइम हो गया थाने गए हुए आप लोग को? 6 तारीख को गई थी। 6 तारीख को सुनवाई नहीं हुई अभी तक? बिल्कुल नहीं हुई है। और अगर मेरे को अगर आज भी अगर सुनवाई नहीं हुई यहाँ, तो मैं अपने बच्चों को लेके आत्महत्या कर लूंगी। मुझे वैसे ही सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है, ना कोई खर्चा दे रहा ना पानी। इस टाइम मेरी डिलीवरी का भी खर्चा नहीं है मेरे पास, और सामान मेरा सारा कब्जे में कर रखा है इन्होंने, बिजनेस का सारा, लैपटॉप, लेजर, यहाँ तक कि मेरी LIC पॉलिसी के बॉन्ड वगैरह सारी चीजें, और उनके सारे बैंकों के ATM, पासबुक, चेकबुक सब उठा के ले गए हैं यहाँ से। मेरा गोल्ड